तो फ्रेंड्स आपने देखा इस तरीके से का मैंने हैप्पी बर्थडे का स्टेटस बनाया। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि कैसे बनाया। तो सबसे पहले फ्रेंड्स एम्पैटी प्रोजेक्ट लेंगे ये वाला, और 16:9 का रेशियो लेंगे ये वाला। मुझे तीन ही लेनी है फोटो, तो इसके बाद फ्रेंड्स इसको जूम करके इस तरीके फोटो लेने के बाद फ्रेंड्स इसको जूम कर लेंगे हम टच करके। तो इस तरीके से मैंने इसको टच करके जूम कर लिया। आप अपने फोटो भी ले सकते हो। तो और इसके बाद इस फोटो को भी जूम करके इस तरीके से आप बच्चों के भी बना सकते हो। तो मुझे ये अच्छी लगी, एक तुम ये बना रही हो। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है कि जितना बड़ा स्टेटस है उतने ही फोटो को मतलब आपको ये मत ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद लेयर में जाएंगे और इफेक्ट में जाएंगे और बेसिक इफेक्ट से ये बेसिक ब्लर ले लेंगे। ब्लर लेने के बाद फ्रेंड्स इसको पूरा इसके ऊपर फैला देंगे इस तरीके से, और सेटिंग में जाके इसकी जो है 5 या 6 कर लेंगे। तो मैं 5 रख लेती हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स हमको क्या करना है, लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और ये वाला लेना है हमें। तो इसको मैं पूरी स्क्रीन पे फैला लेती हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स क्रोमा की में जाके इसको इनेबल कर देती हूँ और इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ। तो ये फ्रेंड्स हमको बैक आना है। बैक आने के बाद फ्रेंड्स हमको फिर से एम्पेटी प्रोजेक्ट में जाना है, वो ही 16:9 का रेशियो लेना है। लेने के बाद फ्रेंड्स हमको क्या करना है, एक बैकग्राउंड लेना है। तो मैं ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ले लेती हूँ और इसकी साइज को मैं उतना ही बढ़ा लेती हूँ जितना हमारा स्टेटस है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद लेयर में जाके मीडिया में जाके एक्सपोर्ट की हुई लेते हैं। एक्सपोर्ट की हुई को लेने के बाद अब इसको क्या है फ्रेंड्स, अब हम इसको फोटो को टच करेंगे। फोटो को टच करने के बाद क्रोमा की में जाके इसको इनेबल कर देंगे और इसकी साइज को कलर जो है हम ब्लू ले लेंगे। तो ब्लू लेने के बाद इसकी साइज को थोड़ा सा आपको जितना अच्छा लगे तो उतना रख लीजिएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जो फोटो हमने ली थी वही तीन फोटो वापस सेम लेनी है। तो मैं ये तीनों फोटो सेम ले लेती हूँ। तो इसके बाद फ्रेंड्स फोटो को टच करना है, 3 वाले डॉट पे जाना है। 3 वाले डॉट पे जाने के बाद इसको सेंड बैक कर देना है। अब इसमें इस तरीके से इसको सेट कर देंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स इसकी साइज को वहां तक रखना है जहां तक ये है। इसके बाद वो दूसरे वाले पिक लेनी है, ये लड़की को दूसरी पिक आ गई। तो यहाँ से इसको अब मैं वापस से ये दूसरी लड़की की पिक जहाँ से शुरू है
और लेयर में जाके मीडिया में जाके वहाँ से उस लड़की की पिक को मैं ले लूँगी और थ्री डॉट पे जाके वापस सेंड बैक कर दूँगी। और इसको सेंड बैक करने के बाद साइज़ को आपके अनुसार ही इसको कर लेना, ताकि जहाँ तक ये लड़की है वहाँ तक इसको रख लेना। इसके बाद जहाँ से वो दूसरी वाली लड़की है वहाँ से लेयर में जाना और मीडिया में जाना और वो वाली लड़की ले लेना और थ्री डॉट पे जाना, सेंड टू बैक कर देना। तो ये मैं अब सेट कर देती हूँ। अब फ्रेंड्स फिर से लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और डाउनलोड में जाना है। और वाली टेम्पलेट है और इसको फुल स्क्रीन कर देना। फुल स्क्रीन करने के बाद फ्रेंड्स इसको फोटो को टच करना। फ़ोटो को टच करने के बाद इसमें ब्लेंडिंग में जाना है। ब्लेंडिंग में जाने के बाद इसको स्क्रीन कर देना। मैं इसको स्क्रीन कर देती हूँ। और इसके बाद फ्रेंड्स एक बार फिर मीडिया में जाना है, लेयर में जाए मीडिया में जाना है। ये वाला टेम्पलेट लेना और टेम्पलेट को टच करना। टच करने के बाद फ्रेंड्स ब्लेंडिंग में जाना है और ब्लेंडिंग में जाने के बाद इसको कलर बंद कर देना। तो मैं इसको पहले इसको सेट कर देती हूँ। तो सेट करने के बाद इसकी साइज़ को मैं अपने अनुसार सेट कर देती हूँ। तो अब ये चला के मैं आपको दिखा। तो इसकी आवाज़ को मैं म्यूट कर देती हूँ ताकि ये पीछे ना बजे और जो टेक्निकल वाला है कोई बजे। तो देखा फ्रेंड्स कितना प्यारा अमेजिंग लग रहा है। आप भी अपने लिए ये बर्थडे वाला स्टेटस बनाइए और पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूं। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।